बिलवाल जी जो कि गुनियाले क्षेत्र में रहते हैं, और आइए उनसे जानते हैं हम घराट के बारे में। घराट कुमाऊ भाषा में इसको घराट कहा जाता है, जिसे पंचक्की या आटा पीसने के कार्य आती है। एक नहर द्वारा पानी इकट्ठा करते हुए इसको चलाया जाता है, जिसमें ये दो कार्य करती है, एक तो बिजली उत्पादन और दूसरा आटा पीसने का कार्य करती है जी। अच्छा, उसका वैकल्पिक मतलब कैसे चलाया जाता है, उसकी क्या क्रिया विधि है? उसमें जो नहर द्वारा जो हम पानी देते हैं, उसके बाद लकड़ी का एक उस पर पाइप टाइप का बनाया जाता है। अच्छा। वो इकट्ठे ही अपने उस स्थान पर पड़ता है जहाँ से उसको घुमावदार बनाया जाता है। अच्छा, रोटेट करने के लिए। अच्छा, और उससे वो घूमता है, उसके ऊपर से फिर दो पार्ट्स होते हैं पत्थर के, जिनमें एक ऐसा बनाया जाता है कि वो आना धीरे धीरे उसमें गिरते रहता है, और वो दो पार्टों के बीच में जा करके आटे को पीसते रहता है। अच्छा, तो वर्तमान में ये घराट पद्धति अभी संचालित होती है या नहीं? अच्छा, बिल्कुल है। अच्छा, ये नदियों के किनारे अभी भी कई स्थानों पर हैं। अच्छा, तो ये इस समय जो है, ये जो घराट विद्या है, ये घराट तकनीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर होती है स्थानीय क्षेत्र में? स्थानीय क्षेत्रों में लगभग गुनियालेक से ये 20 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारे यहाँ बबियाड़ रोड। अच्छा, उसके किनारे हमें 5-7 अभी भी घराट अच्छा मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये घराटों का जो वह सरकार इसको कुछ सहयोग करती है? सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। अच्छा, इसके लिए पैसा दे रही है। हाँ, जिससे हम अपना भी उस बिजली उत्पादन में करें। हाँ, और अगर ज्यादा उत्पादन होता है तो हम आसपास के अपने क्षेत्र को भी उस पे बिजली हाँ, दे सकते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो घट है उसकी क्या क्रियाविधि है, कैसे वो काम करता है? घराट जो है, घट को या घराट, वो एक नहर द्वारा पानी जाता है, और उसके बाद एक पनेला उसमें बनाया जाता है जो फोर्स से फितौड़े में जाता है। उसके बाद उसमें एक फितौड़े के जो नीचे जो फिरके टाइप के बने रहते हैं, वो उस पानी को घुमाता है, पानी से उसको घुमा करके। उसके बाद वो ऊपर जो पत्थर के पार्ट से होते हैं उनको घूमते हुए आटा पीसने का कार्य एवं बिजली उत्पादन का कार्य करता है।